नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी हुए पंचतत्वों में विलीन। आज पूरे प्रदेश में शोक की लहर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी का लंबी बीमारी के चलते बीती देर रात निधन हो गया। आपको बता दें काफी दिनों से वह इलाज के चलते देहरादून में शासकीय निवास में ठहरे हुए थे। वहीं सूचना से पूरे क्षेत्र में दुख का माहौल है। अब वक्त हो चला है काशीपुर की अन्य खबरों का। वन विकास निगम अध्यक्ष स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम धामी। हेरिटेज स्कूल में हुआ ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन। केवीआर हॉस्पिटल में कल भी होगी निशुल्क ओपीडी। विजन वैली स्कूल में हुआ करियर काउंसलिंग सेशन का आयोजन। अज्ञात चोरों ने महादेव मंदिर से चुराई पीतल की मूर्तियां। पुलिस ने किया एक अभियुक्त से अवैध तमंचा बरामद। अब खबरें विस्तार से। वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी का पार्थिव शरीर घर पहुंचने पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके काशीपुर के गिरिताल रोड स्थित निवास पर पहुंचे। साथ ही लोगों ने, वन विभाग और वन निगम के अधिकारियों ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने काशीपुर एवं आसपास के सभी क्षेत्रों से भाजपा एवं कांग्रेस के पदाधिकारी व सदस्य पहुंचे। काशीपुर के अलीगंज रोड स्थित द हेरिटेज स्कूल में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिस दौरान विद्यालय द्वारा सभी बच्चों के अभिभावकों को बेनेसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें बेनेसी इंडिया के साथ मिलकर द हेरिटेज स्कूल बच्चों को नए तरीके से शिक्षित करने की पहल कर रहा है। काशीपुर के केवीआर हॉस्पिटल में कल भी यूरोलॉजी की निशुल्क ओपीडी रहेगी। इस बारे में बताते हुए यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सद्दाम हुसैन ने बताया कि 1 मई से 4 मई तक निशुल्क ओपीडी का आयोजन किया गया है, जिसमें यूरोलॉजी से संबंधित सभी बीमारियों के लिए मरीजों ने निशुल्क ओपीडी का लाभ उठाया। वहीं कल इसका अंतिम दिन होने के चलते उन्होंने मरीजों से इस अवसर का लाभ उठाने की बात कही। नमस्ते जी, मैं डॉक्टर सद्दाम हुसैन हूँ। मैं अभी रिसेंटली यहाँ पे काशीपुर केवीआर हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ हूँ एज ए यूरोलॉजिस्ट। तो अगर आपको कोई भी यूरिन संबंधित समस्या है, जैसे किडनी में पथरी हो या पेशाब की नली में पथरी हो या मसाने में कोई दिक्कत हो या गदूत की कोई दिक्कत हो या आपको लगता है कि आपको पेशाब करने में कोई परेशानी आ रही है, जैसे धार पतली हो गई, पेशाब करने के बाद बूंद बूंद निकल जाते हैं किसी लोगों को, या हंसने खांसने पे महिलाओं में स्पेशली होता है कि थोड़े से बूंद जो है वो निकल जाते हैं, या आपको आपके शारीरिक संबंध रचने में कोई दिक्कत आ रही है या तनाव में कोई परेशानी आ रही है, इस चीज़ों का दिक्कत, या कोई भी कैंसर जो कि यूरोलॉजी के रिलेटेड हो, जैसे किडनी का कैंसर हो गया या गदूत का कैंसर हो गया या पेशाब के थैली का कैंसर हो गया, इन सारे डिसीजेस का इलाज जो है वो हम यहाँ पे केवीआर हॉस्पिटल में कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ों का कल जो है मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। कल हमारी फ्री ओपीडी रहेगी, कल सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक जो है हमारी फ्री ओपीडी रहेगी। आप इस जो सेवाओं का उपयोग ले सकते हैं इस टाइम पे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन। काशीपुर स्थित तो विजन वैली स्कूल में बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए एक काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया गया। दरअसल बच्चों एवं उनके माता पिता में अक्सर बेहतर करियर के लिए क्या चुने इसको लेकर काफी डाउट्स रहते हैं, जिसके लिए विजन वैली स्कूल द्वारा एक काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आए करियर काउंसलर द्वारा सभी को इस विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। थैंक यू सो मच। फर्स्टली मैं बताऊंगी कि वी फेल्ट दैट पेरेंट्स और बच्चे दोनों साथ रहेंगे ताकि बच्चे का माइंड में जो चल रहा है वो पेरेंट्स समझे और पेरेंट्स के माइंड में जो चल रहा है वो बच्चे समझे। दोनों की समझ एक हो तो अल्टीमेटली वो बच्चे की
जो इंटरेस्टेड स्ट्रीम्स है उसी में बच्चे जा सकते हैं एंड देन द चाइल्ड कैन एक्सेल इन द फील्ड व्हाट द चाइल्ड लाइक्स मोर। और उसके अलावा हमारे मकसद ये भी है कि उनके डोर स्टेप पे ये सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दे डोंट हैव टू मतलब दूर जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल में ही हम ये प्रोविजन उनको प्रोवाइड किया है पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ, सो दैट वो खुल के अपनी क्वेरीज को क्लैरिफाई करे फर्दर, थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीशन बच्चे की फ्यूचर के लिए बोले। इसी की वजह से हमने स्कूल में ये काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया। सो अभी जो हमने ज्यादा देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि ज्यादातर बच्चे ट्रेडिशनल चॉइसेस की तरफ सोचते हैं, जैसे इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, MBA कर लें, तो यहाँ जो हमारा आने का पर्पस है वो ये है कि बच्चों को हम एक्सपोज करें नए करियर्स क्या हैं, उनको हम कैसे परस्यू कर सकते हैं। और जो बच्चे ज्यादातर सोचते हैं कि साइंस नहीं लिया तो ये खराबी होगी और कॉमर्स मैथ्स नहीं लिया, तो उन सब जो उनके पुराने नोशंस हैं उनको हम एड्रेस करें। पेरेंट्स के भी कंसर्न होते हैं कि अगर हम ह्यूमैनिटीज दिलाएंगे तो बच्चा क्या कर पाएगा, ज्यादातर थॉट ये होता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा या उसके पास चॉइसेस नहीं होंगी। तो अभी क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है, AI आ रहा है, बहुत सारे करियर ऐसे नए बिल्डअप हो रहे हैं जिनमें ट्रेडिशनल चीजों की जरूरत नहीं है, वो हम किसी भी ब्रांच से किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, तो उसके बारे में बच्चों को बताना, प्लस उनकी जो भी कंसर्न्स हो कि कॉलेज कैसे जाएंगे या कौन सा कॉलेज अच्छा है, किस चीज के लिए कौन से कॉलेजेस नए खुले हैं, वो सारी चीजें हम उनकी एड्रेस करना चाहते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लो पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। काशीपुर क्षेत्र में मंदिर से पीतल की मूर्तियां चुराने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें मोहल्लागंज हल्का चौकी बासफोड़ान क्षेत्र में स्थित महादेव मंदिर से अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर से पीतल की मूर्तियों को चुरा लिया गया, जिस पर स्थानीय निवासी अक्षित मिड्डा पुत्र सुरेश कुमार मिड्डा द्वारा पुलिस को मामले के संबंध में तहरीर सौंप घटना में अवगत कार्यवाही करने की अपील की गई। SSP उधम सिंह नगर के आदेश अनुसार चलाए जा रहे अवैध शस्त्रों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत काशीपुर पुलिस द्वारा अलीगंज रोड ढकिया गुलाबो तिराहे के पास एक अभियुक्त के पास से अवैध तमंचा बरामद किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही, ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।